जरा देखना कौन है। आओ प्रांत। अक्षय जीती रहे बेटा, बिल्कुल ठीक। राजी जीते रहो बेटा। बिट्टू ऐसे अचानक कैसे बेटा? और ये सब सामान सब ठीक तो है ना? ताई जी सब कुछ ठीक है, इसीलिए तो हम आए हैं अपने मायके में कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए। अब क्या हम यहाँ रह सकते हैं? कैसी बातें करती है मेरे बच्चे, तेरा ये अपना घर है। क्यों भाई, क्या हमारे अक्षय घर नहीं है? बिल्कुल। और ताई जी आज हम खास इसलिए आए हैं कि क्योंकि आज ताई जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे ताई जी। थैंक यू। जिंदगी के 60 साल पूरे करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे बच्चे, पिछले 2 सालों से मेरे पीछे पड़े रहते थे कि सठिया आ गए हो, अब कम से कम मुझे भी ये कहने का मौका मिलेगा। बिट्टू ऐसे कैसे, सिर्फ मुबारकबाद, मेरा गिफ्ट कहाँ है? अब वो ताई जी इट्स अ सरप्राइज। हाँ ताई जी, जो कि आज हम आपको पार्टी के वक्त देंगे। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ और मुझे पूरा यकीन है मेरा सरप्राइज तुम्हारे सरप्राइज से बड़ा होगा, और वो मैं पार्टी में नहीं अभी दूंगी। अभी वो दे। What a surprise, यार। सिद्धि? सिद्धि? सिद्धि, तू तो लंदन में थी ना, तो यहाँ कैसे? ये बोल कि मैं लंदन गई कब? मेरा दिल तो यही रह गया था ना, सो बस मैं गई, जरूरी काम खत्म किया और आज ही वापस आ गई। पता है सिद्धि, आते वक्त हम अक्षय से यही कह रहे थे कि ताई जी का आज बर्थडे है और अगर सिद्धि यहाँ होती तो कितना मजा आता है ना। लो भाई, अब दोनों बेटियां घर आ गई हैं तो मालकिन के सचियाने की पार्टी जरा धूमधाम से होनी चाहिए। भाई केक तो ठीक है। सुनो बिट्टू, शोभित मुझसे पूछ रहा था कि जब इसका बर्थडे था तो इसके बर्थडे केक में 7 कैंडल थी क्योंकि मेरी उम्र 7 साल की थी, लेकिन दादी माँ के जन्मदिन पर एक भी कैंडल नहीं। तुम समझे नहीं बेटा, अगर 60 के 60 कैंडल उस पर लगा दी जाएं तो सारी दुनिया को पता नहीं चल जाएगा कि अब समझ में आई तुम दोनों को? मैं इसीलिए केक के लिए मना कर रही थी, ये सब लोग मजाक उड़ाएंगे। अरे वाह, लेकिन इस मजाक के लिए हम इतना अच्छा केक क्यों मिस करें? जी बात तो है भाई, और वो भी ताई जी के बर्थडे का। हाँ ताई जी, चलिए केक काटे। हाँ केक काटे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Really, Siddhi, I'm very happy कि तुम वापस आ गई। You mean तुम नहीं चाहते कि मैं वापस लंदन जाऊँ, है ना? मैं नहीं, शायद कोई और ऐसा चाहता है, और शायद तुम भी।
सिद्धि कहाँ खो गई हो? कुछ भी नहीं। ज्ञान सिद्धि अब चलना, ताई जी को हम लोग अपना सरप्राइज गिफ्ट देकर आते हैं। भैया सिद्धि लेट्स गो। तुम लोग जाओ, आई विल कम लेटर। लेकिन सिद्धि प्लीज, आई सेड आई एम कमिंग। ओके फाइन, डोंट फोर्स हर, वो अपने आप आ जाएगी। हम चलते हैं। ओके सिद्धि चलो। Attention please, respected ladies and gentlemen and cute little kids, over to Prarthna. तो अब हम अपनी प्यारी सी ताई जी को एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं जो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है। अक्षय ताई जी, ये हम दोनों की तरफ से। खोलिए ना। गिफ्ट तो बहुत सुंदर है। हेलो हेलो प्रार्थना, व्हाट, अब तुम कहाँ खो गई? अक्षय सिद्धि बहुत चुप चुप रहती है, बहुत बदल गई है वो। या आई नो, वो उन लड़कियों में से नहीं है अक्षय, जो छोड़े हुए रास्ते पर अपना कदम फिर से वापस लेकर आए। अगर वो वापस आई है तो किसी पक्के फैसले के साथ। फैसला? हाँ अक्षय, सिद्धि ज्ञान को अपना जीवन साथी बनाकर रहेगी। वो ज्ञान से शादी करने आई है। हम अपनी सिद्धि को इतना तो जानते ही हैं अक्षय। That's really great. फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ अक्षय, हमारी तरह उन दोनों को भी एक दूसरे का प्यार मिल जाएगा, वो दोनों एक हो जाएंगे। Yeah, exactly. अरे, excuse me. लो, कितनी लंबी उम्र है इसकी। ज्ञान का फोन है। ए ज्ञान, अरे इतनी लंबी उम्र लेके कहाँ जाएगा यार, मैं भी तुझे याद कर रहा था। ऑफ कोर्स यार, तेरी भाभी भी तुझे याद करेगी। कैसा है तू? अच्छा ज्ञान, मेरे पास तेरे लिए गुड न्यूज है। व्हाट, तेरे पास भी हमारे लिए गुड न्यूज है? चल ठीक है, पहले तू अपनी गुड न्यूज बता। ज्ञान, आई नो, लेकिन आई मीन, हाँ मैं खुश हूँ ज्ञान, लेकिन लेकिन इतनी इतनी जल्दी, आई मीन तू
तू मान कैसे गया यार? ओके ओके फाइन बाय। अक्षय क्या हुआ, क्या कह रहा था ज्ञान? अक्षय प्लीज बताई ना, हमारा दिल घबरा रहा है। क्या कह रहा था ज्ञान, क्या फैसला हो गया? अक्षय शादी का, ज्ञान के घर वालों ने उसके लिए एक लड़की पसंद की है और ज्ञान ने भी उस लड़की के लिए हाँ कर दी और अब ज्ञान उस लड़की से शादी कर रहा है। ज्ञान शादी कर रहा है, स्थिति तो टूट जाएगी। हाँ प्रार्थना, लेकिन अब क्या करें, सिद्धि तो। लेकिन लेकिन ये बात उससे छुपाना गलत होगा अक्षय, हमें ये बात बतानी होगी उसे कैसे भी करके। सिद्धि तू यहां क्या कर रही है? ऐसे ही जानती है सिद्धि, जब हम अपनी जिंदगी अपने हाथों में ले लेते हैं उसके बाद जिंदगी की सफर की जिम्मेदारी हमारे अकेले की होती है और हमारा सफर आसान तब होता है जब कोई सच्चा प्यार, सच्चा जीवन साथी हमारा हम सफर बन जाए। लेकिन ज्ञान तो पहले ही बहुत से रिश्तों के बोझ का साथ निभा रहा है, तो जिंदगी के सफर में वो मेरा क्या साथ देगा? अगर सच्चा प्यार हो तो उसे ये सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना कि ज्ञान एक ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करता है। सो व्हाट सिद्धि, सो व्हाट? तेरा पति तो तेरे साथ रहेगा ना, जैसे आज हमारे साथ अक्षय है। सिद्धि तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मैं सब समझ रही हूँ प्रार्थना, लेकिन शायद ज्ञान मुझे नहीं समझ रहा। ऐसे तो ज्ञान भी कह सकता है। देख सिद्धि, इस तरह से एक नहीं दो दो जिंदगियों के साथ ना इंसाफी हो रही है। तो होने दो डैम इट, अगर ज्ञान यही चाहता है तो यही सही। ज्ञान का फोन आया था। ओके, मुझे कुछ वक्त दो सोचने के लिए। प्यार के लिए हाँ करने में जल्दी करके मैं पहले ही गलती कर चुकी हूँ, पर अब शादी के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए प्लीज। वक्त ही तो निकल चुका है सिद्धि, अब ज्ञान के साथ साथ वक्त भी तेरे पास नहीं रहेगा। ज्ञान शादी कर रहा है, ज्ञान पता है सिद्धि, सच्चा प्यार जिंदगी में मिले और अपना भी हो जाए तो ये तो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है, जैसे कि तुम्हें। अच्छा, तो सिर्फ मैं लकी हूँ, तुम नहीं? अब मैं ये भी तो नहीं जानता ना कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो या नहीं। तुम मेरे इतने करीब हो फिर भी मेरे प्यार पर शक कर रहे हो। और जानती हो, प्यार जितना ज्यादा होता है उसे खोने का डर उतना ही बढ़ जाता है। तो मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी ना? जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। मेरे पहले प्यार को नाकाम मत होने देना, तुम मेरी जिंदगी हो
और मुझसे मेरी जिंदगी मत छीन लेना। मैंने तो नहीं छीना क्या, लेकिन देखो ना, तुमने मुझसे मेरी ही जिंदगी छीन ली। तुम मुझसे दूर जा रहे हो। मजबूर भी तो तुम ही ने किया था। तुम क्यों, क्या गलत कहा बोलो? तुम ही तो मुझसे रिश्ता तोड़ कर गई थी ना, मेरे प्यार को नकार कर गई थी ना। और तुम इतना सा वक्त भी इंतजार नहीं कर सकते थे? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी तुमने कि तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगे, और अब शादी कैसे कर रहे हो? क्या सांसें लेना जिंदगी का नाम नहीं होता? मेरी जिंदगी जो तुम्हारे साथ ही चली गई थी, शादी कर रहा हूं तो अपने परिवार वालों के लिए, दुनिया के लिए। और अगर मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊं तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? बोलो, क्या जवाब दो, क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। ज्ञान और सिद्धि एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ही अब जब हमें लग रहा है कि सिद्धि समझने लगी है, कम से कम उसने कुछ वक्त तो मांगा है समझने के लिए। से बात करते हैं, अब समझने की बारी उसकी है। हाँ प्रार्थना भाभी, मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन आप नहीं समझ रही कि यहां पे क्या सिचुएशन है। मेरी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो रोक दो ज्ञान, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अब अगर शादी रोके तो ये मेरे परिवार के इज्जत का सवाल बन जाएगा। ज्ञान, तुम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो? तुम तो समझते हो ना सिद्धि को, प्लीज कुछ वक्त दे दो उसे। किस लिए प्रार्थना भाभी, वो तो उसी दिन हमारे रिश्ते पर डीएनए का बोर्ड लगाकर चली गई थी, और उसके बाद उसने पलट कर देखा भी नहीं, ना ही एक फोन किया। अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता।